नमस्कार दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का तो 17 जनवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमको सारे क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो हमको जो जो क्वेश्चन मिले हैं हमने वो इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं और बाकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कि हमने इस वीडियो में एड करे हैं बाकी और जो क्वेश्चन रहेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं उनके लिए हम एक और वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको जिससे कि आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन बाई दी नेम यालंग टेसंग तो कौन सी रिवर होती है जिसको कि यालंग टेसंग के नाम से भी जाना जाता है तो ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन रहता है और एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसको यालंग टेसंग के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में तिब्बत से फ्लो करती है तो इसको तिब्बत में यालंग टेसंग बोला जाता है रेलवे तो कि किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड दलाउजी लॉर्ड दलाउजी जो है इनको फादर ऑफ इंडियन रेलवे के नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में जितने भी फादर्स रहेंगे इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि फादर्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो एनालिसिस की जो वीडियो जितनी भी एनालिसिस हमने कराई है उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिससे कि सारी एनालिसिस आपको एक जगह मिल सके अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु वॉज दी फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर पूछे गए थे कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है ये किसके द्वारा फाउंड करा गया था तो ये आपको पता ही होगा काफी बार हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन केशव चंद्र सेन जो थे इनके द्वारा फाउंड करा गया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को जितनी भी ये इम्पोर्टेंट रिफॉर्मस जो फाउंड करी गई थी एसोसिएशन जो होती है इन सबके आपको नाम याद रखने की कि किसके द्वारा फाउंड करी गई थी क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की वहां के गवर्नर भी पूछे गए कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है करंट टाइम में तो हमारा आंसर हो जाएगा आनंदी बेन पाटिल तो इनपे एडिशनल चार्ज है मध्य प्रदेश स्टेट का इनसे पहले लालजी टंडन थे आनंदी बेन पाटिल को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मध्य प्रदेश का ये और कौन सी स्टेट की गवर्नर रहेंगी तो उत्तर प्रदेश स्टेट की गवर्नर है आनंदी बेन पाटिल इन विच चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस तो चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था ये कौन से साल में हुआ था तो हमारा आंसर हो जाएगा 1922, 1922 में हुआ था चौरा चोरी इंसिडेंट तो ये जो ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इनके ऊपर भी लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा वेन वॉज द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो पास करा गया था ये कौन से साल में किया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा 1955. 1955 में पास करा गया था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को अब जो होते हैं अब जो अमेंडमेंट करे जाते हैं वो करे जाते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में अब दोबारा नहीं लाया जाता सिटीजनशिप एक्ट को जो अभी पीछे लागू करा गया था सी और एनआरसी जो लागू करे गए थे वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करा गया था अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा ओइलियाटम इज ए पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट तो स्टेट से पॉपुलर फोक डांस के ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं ओइलियाटम जो होता है ये कौन सी स्टेट का एक पॉपुलर फोक डांस होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तमिलनाडु जो स्टेट है वहां का एक फेमस डांस फॉर्म रहता है जो कि रहेगा ओलियाट्टम और जो डांस फॉर्म्स होते हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में हेड क्वार्टर ऑफ आशियान लोकेटेड तो आशियान जो ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जिसमें कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनका ग्रुप है ये एक तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा जकर्ता तो जकर्ता जो जगह है इंडोनेशिया में यहाँ पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर है आसियान का आसियान की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर और उनकी स्टेब्लिशमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है हर एग्जाम में पूछी जा रही है और अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके बिल्कुल पे होनी चाहिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा वॉट इज दी फुल फॉर्म ऑफ एन ई एफ टी तो एन ई एफ टी की फुल फॉर्म पूछी गई थी तो हमारा आंसर हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तो एन ई एफ टी जो होता है जो मनी ट्रांसफर करा जाता है उसका फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर दी पनावर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट तो पनावर पोर्ट जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में है तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जो प्लेसेस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड हैं तो इस टाइप की हमने सेपरेट वीडियो भी बना दी हैं जिस है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो प्लेसेज हैं उनके बारे में बताया है तो पनावर पोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका कर्नाटका जो स्टेट है वहाँ का एक फेमस पोर्ट रहता है पनावर पोर्ट इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है हु इज ऑथर ऑफ दी बुक ग्लिप्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो हिस्ट्री की जो बुक्स रहेंगी उनके ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाने रहे हैं गिलिमसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई थी जिसका टाइटल रहेगा ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू जो थे ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के तो ये भी आपको याद रखना है इनके द्वारा बुक लिखी गई ग्लिम्सिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नमेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो नमेरी नेशनल पार्क जो है ये इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा असम तो असम जो स्टेट है इंडिया की वहां पे लोकेटेड है नमेरी नेशनल पार्क तो नेशनल पार्क्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के लिए आप सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, जो पीछे की दो तीन शिफ्ट रही हैं, उनमें भी नेशनल पार्क्स के ऊपर लगातार क्वेश्चन बने हैं और अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा तो द धुलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है कौन सी स्टेट में है तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात तो गुजरात जो स्टेट है वहां पे लोकेटेड है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पिछली शिफ्ट रही थी उसमें भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पूछा गया था इस शिफ्ट में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन बना है नॉर्मन बोल लोक अवॉर्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड तो नॉर्मन बोल लॉग अवार्ड जो दिया जाता है जो की एक इम्पोर्टेंट अवार्ड रहता है ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर फील्ड से काफी इम्पोर्टेंट या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ा अवार्ड होता है नॉर्मन बोल लोग अवार्ड जो की दिया जाता है एग्रीकल्चर की फील्ड में खेती से रिलेटेड होता है नॉर्मन बोल लॉग अवार्ड द जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोबारा रिपीट हुआ है कि जोजिला पास जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है जोजिला पास जो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है वो होता है जोजिला पास हु ऑथर ऑफ द बुक आई डू वॉट आई डू तो आई डू आई डू बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा रघुराम राजन रघुराम राजन जो है ये ऑथर रहेंगे बुक के आई डू वॉट आई डू के कल पूछा गया था वाई आई एम हिंदू जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है तो उसका आंसर था शशि थरूर और आई डू वॉट आई डू जो बुक है ये लिखी गई है रघुराम राजन के द्वारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो होता है डेस्क के ऊपर भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है डेस्क के ऊपर भी तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है तो हमारा आंसर हो जाएगा आठ सेप्टेंबर एट सेप्टेंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे को हु प्रेसिडेंट ऑफ आई एन सी इन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे के से आपको, याद रखने काफी बार हम आपको बताते आ रहे हैं कि ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली गवर्नर थी ये प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की नाइनटीन में ये कौन सी स्टेट की पहली गवर्नर थी तो वो रहेगी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टेट की पहली गवर्नर थी सरोजनी नायडू तो ये आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा मेक इन इंडिया वॉज लॉन्च इन विच year? तो स्कीम्स के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रहेंगी वो आपको जरूर याद रखनी है अभी तक हमने तीन वीडियो अपलोड करी हैं स्कीम्स के ऊपर और तीनों में अलग अलग क्वेश्चन बताए गए हैं स्कीम्स के ऊपर तो सेवनटी प्लस स्कीम्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप उन सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लें और बाकी और जो एक्स्ट्रा स्कीम्स रहेंगी हम उनकी भी आपको जल्दी एक वीडियो और प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आपकी सारी स्कीम्स कवर हो जाए और बाकी जितने भी स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे उन वीडियो से ही पूछे जा रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैक्सिमम हमने जो डाटा है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है आपके एग्जाम के लिए अगर आप उस डाटा से भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन है जो कि एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं सेकंड फेज में लेकिन वो सिर्फ आपको दो तीन क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि हमारे पढ़ाई हुए से बाहर आ रहे हैं बाकी फोर्टी में से आपको थर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन हमारे कराए हुए हैं तो आप उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें आप अच्छे मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हैं

तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद दोस्तों